फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। मैदानगढ़ी थाने की टीम ने दो चोरों को गिरफ्तार करके चोरी की दो स्कूटी बरामद की। साउथ दिल्ली जिला की डीसीपी चंदन चौधरी ने मीडिया को बताया कि मैदानगढ़ी थाने की टीम ने धारा 41.1D और 102 CRPC के तहत आरोपी दीपांशु उर्फ दीपू और संदीप उर्फ पासी नामक दो चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की दो स्कूटी बरामद की हैं। आगे डीसीपी ने बताया कि 6 दिसंबर को थाना मैदानगढ़ी के स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि दो चोर राजपुर खुर्द एक्शन की ओर आएंगे। तुरंत चोरों को पकड़ने के लिए मेरोली डिवीजन के ACP की देखरेख में मैदानगढ़ी थाने के SHO के नेतृत्व में एक टीम बनी। इस टीम में SI पंकज राठौड़ा, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल महेश इस टीम में शामिल थे। सूचना को और विकसित किया गया और पुलिस टीम ने राजपुर खुर्द एक्शन के पास जाल बिछाया। कुछ देर बाद टीम को बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर दो संदिग्ध हालत में आते दिखे। उन्हें रोकने का इशारा किया लेकिन पुलिस आमले को देखकर वह मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस टीम ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया। पुलिस ने स्कूटी की जांच की तो पता चला कि वह चोरी की थी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया और उनकी निशानदेही पर एक स्कूटी और बरामद की चोरी की। टोटल आरोपियों के कब्जे से दो चोरी की स्कूटी बरामद की है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।